हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका इलस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है ना, ओके, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर आप, ओके, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर आप पढ़ेंगे 1.13। तो आज हम लोग जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1.13 को पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 1.13। टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखिएगा। एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r. The atom has as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at distance r from the nucleus? यहाँ पर हमको पूछा है, देखिए r जो है ना वो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको दिखाई देगा, मतलब it is saying that here this is the atom और ये वाला आपके पास न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस है। एक तो डिस्टेंस r यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर पॉइंट q है, और दूसरा जो है हमको यहाँ पर ढूंढना है p पॉइंट पर। तो हम लोग जो है ये इसकी रेडियस है आपके पास, जो एटम की रेडियस है ये है आपके पास r, दिख रहा है ना सही से, ओके सही से दिख रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास इतनी रेडियस जो है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इट इज सेइंग दैट अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस आर। The atom as a whole is neutral. For this model, what is electric field at distance r from the nucleus? अब जो है पहला वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लेट अस से इवन होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लेट अस से आपके पास E2 होगी, है ना। अब यहाँ पर जो है सपोज ये रेडियस r है, तो रेडियस r जो है एक इतना स्फीयर बनाए, ओके, इसमें पॉजिटिवली चार्ज कितना है, तो पॉजिटिव चार्ज आपके पास Q प्लस, ये जेड ई है। एंड लेट अस फाइंड आउट इसमें यहां पर, वैसे तो नेगेटिव चार्ज ये पूरा है, लेकिन हमको क्या कहा है, हमको ये कहा है कि ये इतनी रेडियस में जो है आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कितनी होगी। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे कि भाई अगर हमारे पास 4 by 3 pi r cube, जितना ये हमारे पास पूरा जो है अगर एटम होता तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता z, है ना। अगर हमारे पास इतना वॉल्यूम होता, मतलब पूरा के पूरा जो है आपके पास एटम होता, तो उसमें नेगेटिव चार्ज कितना होता, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो होता हमारे पास पूरे उसके अंदर, तो नेगेटिव चार्ज इस विकेंड से z, है ना। तो यहाँ पर तो 4 by 3 pi r cube है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज कितना होगा, सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस 4 by 3 pi r cube इंटू जेड, है ना। ये पूरे, क्योंकि पूरा एटम जो है यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 4 by 3 pi r cube। So, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज होगा, दैट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, ये वाला आपके पास हो जाएगा जेड ई आर क्यू अपॉन वी कैन से आर क्यू, है ना, 4 by 3 pi r हो गया। अब हमारे पास नेट चार्ज कितना होगा, सो नेट चार्ज हमारे पास क्यू हुआ क्यू प्लस प्लस क्यू माइनस, तो नेट चार्ज हो गया हमारे पास जेड माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू वी कैन से जेड।
तो जो नेट चार्ज हुआ दैट नेट चार्ज इज इक्वल टू जेड ई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन वी कैन से आर क्यूब है ना, ये वाला हमारे पास नेट चार्ज होगा। नाउ वी कैन से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट वी कैन से डीएस बार। अब यहां पर जो है क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके पास ई डी एस कॉस जीरो है ना। तो ये नेट कितना हो गया, तो ये जेड इन इंटू वन माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वहां से बाहर निकलेगा ई, और इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा डी एस, कितना आ जाएगा बेटा डी एस है ना। तो हम लोग कहां पर बात करें, तो नेट चार्ज इस नेट चार्ज इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस स्मॉल आर है ना, तो छोटे स्फीयर के अंदर जो रेडियस होगा वो आपके पास आर है, तो क्यू नेट इज इक्वल टू जेड अपॉन आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होगा। ओके, सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना जो है आप नोट बनाएंगे, इतनी आप नोट बनाएंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया नोट बनाइए, और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा जेड इंटू वन माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और यहां पर आपके पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये e into we can say 4 pi r square, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला जो रेडियस है मतलब जो रेडियस r है उसका स्फीयर का आपके पास हो जाएगा 4 pi r square, so e कितना होगा, so 1 upon 4 pi इसको हम लोग किधर लेके जाते हैं epsilon not into r square, और ये वाला हो जाएगा z 1 upon r cube upon we can say r cube, so e is equal to 1 upon 4 pi epsilon not क्या होगा k, तो k upon r square, और ये वाला हो जाएगा z into 1 upon r cube upon we can say r cube है ना। तो ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पर मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको इस पॉइंट पे मिलेगी, लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास e1 है ना, तो लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास e1 है, so e1 is equal to we can say आपके पास इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास e1 हो जाएगी, ठीक है ना, ये k upon r square और z into 1 upon r square minus upon r square, okay। Now if I take, अब हमको दूसरा भी पूछा है, दूसरा क्या पूछा है कि इस पॉइंट, चलिए हम लोग इस पॉइंट में भी ढूंढ सकते हैं, यहां पर लेट अस से E2 इसकी एग्जैक्टली रेडियस पे, तो यहां पर r क्या हो जाएगा, ये वाला r हो जाएगा, यहां पर मतलब यहां से यहां तक के पॉइंट पे ये पॉइंट s है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस से E2 है, तो E2 हम लोग कैसे ढूंढेंगे, so E2 is equal again we will apply the same formula k upon r square है ना, और यहाँ पर आपके पास z upon 1 upon r cube upon we can say r cube, but here in this case we can say r is equal to r, तो ये वाला E2 कितना हो जाएगा k upon r square, और ये वाला हो जाएगा z upon r cube अपॉन वी कैन से आर क्यूब, तो ये वाला कितना हो जाएगा कि अपॉन आर स्क्वायर जेड इनटू वी कैन से जीरो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो, और उन लोगों ने इस पॉइंट पर भी पूछा है पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इतनी ही होगी, सो ये वाला के अपॉन आर स्क्वायर और यहां पर जेड अपॉन 1 अपॉन आर क्यूब अपॉन वी कैन से आर क्यूब, यहां पर जो आर होगा वो ग्रेटर देन आपके पास आर होगा, मतलब यहां पर जो स्मॉल आर है दैट विल बी ग्रेटर देन वी कैन से आर, ये वाला आपके पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसकी वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जो इसकी नोट बनाइए।
तो बेटा आपने जो है यहाँ पर इसको समझ लिया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाएं, है ना। तो एक्सरसाइज पे अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको सारे के सारे जो थियरी पोर्शन है ना उसको सही तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मैं बन करा रहा हूँ। एक्सरसाइजेस जो है, एक्सरसाइजेस ये वाला आपके पास 1.1। चलिए एक्सरसाइज 1.1। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2×10⁻⁷ कूलम एंड 3×10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो चलिए यहां पर आपके पास जो है क्यूबन, क्यूबन जो है ये आपके पास 2×10⁻⁷ कूलम, और यहां पर जो है ये Q2 है, ये Q2 आपके पास 3×10⁻⁷ कूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट कुड बी द फोर्स, सो इट इज Q × Q, K × Q1 × R² है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9×10⁻⁹, ये 2×10⁻⁷, ये 3×10⁻⁷, और आरती लगा पे 30×10⁻²। अब ये वाला कैलकुलेशन आप कीजिएगा बेटा, है ना, ये वाला कैलकुलेशन आप कीजिएगा। कैसे करोगे, ये आपके पास 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, और 10⁻⁹ − 14, मतलब 9 − 14 कितना हो गया आपके पास, ये वाला हो गया आपके पास −5, और ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 900, और ये वाला 10⁻⁴। कैलकुलेटिंग ये वाला जितना आए उतना आपका न्यूटन, इतना जो है दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। कोई बोलेगा क्यों रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज द टू चार्जेस आर ऑफ लाइट चार्जेस, है ना, आर ऑफ द सेम पोलैरिटी, मतलब Q1 भी आपके पास पॉजिटिव है और Q2 भी आपके पास पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आपको लगेगा, है ना। वीडियो को जो थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके उसको नोट बनाइए। 1.2 की हम लोग बात करेंगे। 1.2 द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μC इज ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μC, मतलब ये वाला आपके पास 0.4 μC का आपके पास चार्ज है ना, और इसको फोर्स ये वाला जो आपके पास Q2 जो है, ये वाला आपके पास 0.8×10⁻⁶ कूलम, जितना आपके पास यहां पर भी चार्ज है यहां पर। अब ये दोनों के बीच का जो फोर्स है ना, ये F1 आपके पास है 0.2 N, इट इज गिवन। अब ये फोर्स कौन सा, किस नेचर का होगा, एट्रैक्टिव, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, पहला वाला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ओहो, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, F1 इज इक्वल टू, लेट अस से F1 ये वाला हो जाएगा K × Q1 × R², आपको R ढूंढना है, तो R² ये कितना हो जाएगा, K × Q1 × Q2 / we can say F1, तो ये वाला R², ये वाला 9×10⁻⁹, ये वाला आपके पास 0.4×10⁻⁶ है ना बेटा, और यहां पर आपके पास हमको एट्रैक्टिव पता है, वी विल नॉट पुट एस माइनस, माइनस साइन इज ओनली इंडिकेटिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स व्हिच इज एट्रैक्टिव इन दिस केस। अब यहां पर आपके पास हो जाएगा 10⁻⁶ अपॉन F जो है, ये वाला आपके पास 0.2 N है, सो आपको क्या मिलेगा, यहां पर R² मिलेगा है ना, और इसका स्क्वायर रूट ढूंढिए, तो ये वाला आपके पास जितना आ जाएगा उतना मीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाला आपके पास उतना ही आएगा। अब ये वाला कह रहा है कि इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब 2 की वजह से 1 पे जो फोर्स लग रहा है, लड़ से F1 है ना, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको इस पर इसकी तरफ से कितना फोर्स लगेगा, लड़ से F2 लगेगा है ना, ये वाला फोर्स आपके पास कितना लगेगा, F2 है ना, तो F2 और F1 दे मस्ट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन,
ये वाला एक्शन है तो ये वाला रिएक्शन होगा। तो अगर ये वाला F1 0.2 न्यूटन है तो F2 कितना होगा, वो भी तो 0.2 न्यूटन होगा ना, जो आंसर आपको बी में पूछा है। देखिए ये वाला इस पर आपको ये वाला फोर्स लगा रहा है F1, तो वो इसको कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ द फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड वन, द सेम फोर्स विल बी देयर, है ना, यहां पर आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी आप एक काम कीजिए, इसको भी जो है आप पोस्ट करके, इसको भी पोस्ट करके जो है नोट बनाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। ये वाली बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की। चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई इज डायमेंशनलेस, लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डस दिस रेशियो सिग्निफाई। अच्छा आपको कौन सा रेशियो पूछा है, तो रेशियो जो पूछा है वो आपके पास ऐसा है, रेशियो जो आपको पूछा है ना वो है आपके पास के स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई, जी एम ई एम पी। ओके अब ये वाला जो के है, मैं एक काम करता हूं, इसको मुझे बताना है डायमेंशनलेस, है ना, तो इसको मुझे बताना है डायमेंशनलेस। अब के का जो है मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर वो फॉर्मूला याद करूंगा, के इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। सो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। मैं इसका जो है ना के का डायमेंशंस नहीं लिख रहा, मैं इसका ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और ये ई क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो ये भी आपके पास कूलम स्क्वायर है। और फिर उसके बाद जो है जी, तो जी क्या हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन वी कैन से आर स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। और यहाँ पर भी आपके पास किलोग्राम का स्क्वायर, तो ये वाले सारे के सारे जो है आपके पास यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हुआ, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये वाला कैंसिल हुआ, तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेशियो इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वन, मतलब इसका ये आपके पास ये रेशियो अगर वन आया तो वन तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना, तो ये वाला हो जाएगा इसका डायमेंशन, हो जाएगा रेशियो। अब आप एक काम कीजिए, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है यहां पर के ये 1.3 का जो है आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सो नाउ वी कैन से हियर, ये वाला आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई, है ना, तो ये के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होगा, और ये ई का स्क्वायर 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर होगा, और जी का वैल्यू कितना होगा 6.67 × 10⁻¹⁹। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 × 10⁻³¹, है ना, स्क्वायर में, स्क्वायर में ये वाला आपके पास हो जाएगा। तो ये वाला आपके पास जो हो जाएगा मास, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁹, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻¹⁹ −19, और ये वाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 × 1 मिनट, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ आएगा, 27, यस, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला 9.31 × 10⁻³¹ किलोग्राम आपके पास आ जाएगा, सही ये दिख रहा है। अब ये रेशियो लगे ना, तो ये रेशियो आपके पास आ जाएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴, मुझे नहीं पता, एक्चुअल आप कैलकुलेट करना, यहां पर कैलकुलेशन आप एक्चुअल करना। तो यहां पर जो है ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये वाला आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये क्या सिग्निफाई करेगा, सो द रेशियो ये जितना आता होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 10⁻⁴ आएगा या 10⁻⁴ भी आ सकता है, देखिए ना कितना आ रहा है,
मुझे नहीं मालूम, जब तक ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे वहां तक ये वाला नहीं आ जाएगा। तो ये वाला आपके पास जो है 10^41 आ रहा है। नाउ वी कैन से हियर, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या सिग्निफाई करना है। तो इट सिग्निफाइज दैट द रेशियो, इट सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इन टाइनी पार्टिकल्स इज डोमिनेटिंग इन नेचर। मतलब क्या कि जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें डोमिनेंट फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, उसके अंदर डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होगा? मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको डोमिनेटिंग मिलेगा। मतलब जो है फॉर टाइनी पार्टिकल्स डोमिनेटिंग फोर्स इज इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स एंड फॉर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। है तो इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा? देखिए मैं आपको यहाँ पर, बिकॉज इफ द चार्जेस मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी द चार्जेस आर ऑन देयर इन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इफ वन इलेक्ट्रॉन में मूव और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मूव और 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मूव, सो देयरफॉर चार्ज पासिस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन सर्टेन क्वांटिटी, हैंस द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एंड सेकंड जो है, व्हाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। बिकॉज यहाँ पर जो है, why one can ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic quantities, है ना? तो in macroscopic it is not at all one or two electron doesn't matter, है ना? और n number of electron doesn't matter if we consider large number of quantities, है ना? तो ये वाला आपको इसका answer describe करना है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए question number 1.5 को देखिए। When a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both. Similar phenomenon is observed in many other parts of the body. Explain how this observation is considered consistent with the law of conservation of the charge. सब देखिए, यहाँ पर appear does not mean it is generated. आपको क्या लिखना है? Appear doesn't mean that the charges are generated. They move from one object to the other object, and hence we can explain that observation is consistent with the law of conservation of charge, है ना? With the law of conservation of charge, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर आपके पास 1.6 है, 4 point charges. Question number 1.6 को देखिए, 4 point charges QA 2 microcoulomb, QB -5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb and QD -5 microcoulomb are located at the corners of the square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? चलिए अब हम लोग बात करेंगे next question की, जो आपको हम लोग जब इसको solve करेंगे, ठीक है बेटा? तो ये वाला क्वेश्चन नंबर आप देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपको वो आ रहा है 1.6, 4 point चार्जेस आ रहे हैं। तो यहां पर आपके पास देर आर 4 point चार्जेस, ए बी सी एंड डी, दिस आर 4 point चार्जेस। आप यहां पर जो चार्ज है
ए पर वो 3 माइक्रोकूलम और बी पर जो माइक्रोकूलम है वो 5 माइक्रोकूलम और यहां पर आपके पास 2 माइक्रोकूलम। अच्छा यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 माइक्रोकूलम है और यहां पर आपके पास -5 माइक्रोकूलम। अब ये कहा गया है कि ये स्क्वायर की जो साइड है ना वो 10 सेंटीमीटर। ओके 10 सेंटीमीटर कोई बात नहीं। अब हमको क्या कहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहां पर आपके पास ये सेंटर है तो यहां पर आपके पास जो चार्ज है ना ये 1 माइक्रोकूलम है तो ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। ऑब्वियसली यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये जाएगी लेट अस से E1 इसको कैंसिल करेगी ये वाली E2 है ना क्योंकि देखिए दोनों चार्जेस सेम है दोनों चार्जेस सेम है ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी कैंसिलड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट अस से E3 दैट विल बी कैंसिलड बाय दिस E4 है ना। तो यहां पर आपको पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितनी मिलेगी आपके पास 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू 0 मिलेगी तो आपके पास F कितना होगा तो F इज इक्वल टू Q ये 1 माइक्रोकूलम इनटू वी कैन से 0 तो आपको फोर्स कितना लगेगा वहां पर 0 फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बेटा 0 फोर्स आपको जो है वहां पर लग जाएगा तो ये वाला फोर्स आपके पास 0 हो जाएगा ठीक है ना। फिर आपके पास वीडियो को पॉज कर लीजिए इसकी नोट बनाइए। अब एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंटिन्यूस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स व्हाई नॉट है ना। तो बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस इज अ कंटिन्यूस कर्व सो बिकॉज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स वी कैन नॉट हैव एनी पॉइंट एट विच द फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल दैट इज व्हाई दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज कंटिन्यूस कर्व है ना। तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इफ इट इज हैविंग ब्रेक्स सो एट दैट पॉइंट नो फोर्स कैन बी एक्सर्टेड ऑन द अदर चार्ज बट इट इज नॉट हैपनिंग द इन इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज और वी कैन से टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट है ना। तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी ये तो पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होना। तो वहां पर जो है आपके पास चार्ज जो है कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वहां पर आपको फोर्स लगेगा फोर्स होगा मतलब जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर सेकंड है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस इफ द टू लाइन क्रॉसेस ईच अदर इफ द टू लाइंस क्रॉसेस ईच अदर देन इट विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल सो यहां पर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.8 को देखिए टू पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज है ना। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज पे कितना वो हो जाएगा तो अब हम लोग बात करेंगे। देखिए बेटा अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये देखिए 1.8 की बात है हम लोग बात करें 1.8 की है ना। तो 1.8 में क्या होगा टू पॉइंट चार्जेस यहां पर आपके पास Q है और यहां पर आपके पास QB है ना। तो QA जो है वो है आपके पास 3 माइक्रोकूलम और जो QB है वो है आपके पास -3 माइक्रोकूलम ठीक है आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन बिटवीन
तो यहां से यहां तक जो है 20 सेंटीमीटर अपार्ट वैक्यूम में ये जो है आपको हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑन द लाइन जॉइनिंग, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये डायरेक्शन में मिलेगी लेट अस से ई1, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये डायरेक्शन में मिलेगी ई2। नाउ इफ द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये वाला हो जाएगा ई1 प्लस आपके पास ई2। सो ई नेट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा के क्यू1 अपॉन आर1 का स्क्वायर, और ये वाला कितना हो जाएगा के क्यू2 अपॉन आर2 का स्क्वायर। सो ये वाला के और q1 3 into 10 to minus 6 और r1 की जगह पर 10 into minus 2 का स्क्वायर, और प्लस ये वाला आपके पास k का वैल्यू रख देना 9, और q2 जो है आपके पास कितना है minus 3, but we will not put it as minus 3 because here the intensity of the two electric field are in the same direction, minus sign is only indicative of the direction and it has nothing to do with the magnitude। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये वाला बेटा कितना हो जाएगा, ये वाला भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो लेट अस पुट 10 into 10 to minus 2 का स्क्वायर, जस्ट गिव द सिंपलीफिकेशन, यू विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पुट द वैल्यू ऑफ k as 9 into 10 to 9, यू मे पुट हियर as 10, 9 into 10 to 9 because approximate value of k is equal to 9 into 10 to 9। Now you will have to give the simplification and you will get the answer, okay। Now if a negative test charge is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? हमको उल्लू समझ रहे हैं, ये लोग ऐसा समझते हैं कि हमको जो है कुछ आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर F0, मतलब अगर आप अपने चार्ज यहाँ पर Q0 रख दिया तो यहाँ पर F0 कितना हो जाएगा बेटा Q0 into cancel E net, है ना, तो Q0 1.5 into 10 to minus 9 और ये E net यहाँ पर ये वाला जो है ना रख दो, that will be the force, ये वाला आपके पास जो है इतना फोर्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जांपल नंबर 1.8। नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल नंबर 1.9। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB, ओके, लोकेटेड एट पॉइंट्स 00 15 सेंटीमीटर एंड 00 प्लस 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the total charge and electric dipole moment of the system? क्या हमको क्या समझ रहे हैं ये लोग, जो है हमको ऐसा समझ रहे हैं इससे सेकंड स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन है, हम लोग 12 पढ़ाए आगे का एक भूल गए क्या, इतने इजी क्वेश्चन क्यों ये लोग दे रहे हैं। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1.9। नाउ इट सेज, देखिए यहां पर अ सिस्टम हैज टू चार्ज, देखिए बेटा यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स कौन से दिए गए, कोऑर्डिनेट्स आर 00 माइनस 15 एंड द अदर कोऑर्डिनेट्स आर 00 एंड 15। क्या मतलब हो गया, देखिए यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब यहां पर ये z लाइन की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब दे आर टॉकिंग ऑफ द z लाइन। अब देखिए यहां पर अगर ये z एक्सिस पे मैं जीरो रखूं तो यहां पर मुझे माइनस 15 मिलेगा, यहां पर मुझे प्लस 15 मिलेगा, यहां पर मेरे पास चार्ज क्यू है, यहां पर आपके पास चार्ज क्यू भी है, है ना, तो यहां पर चार्ज क्यू ए है और यहां पर आपके पास चार्ज है क्यू बी। व्हाट डू यू मीन बाय क्यू ए, इट इज नथिंग बट 2.5 इनटू 10 टू माइनस 7 कूलम, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस माइनस 2.5 इनटू 10 टू माइनस 7 कूलम। नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी, ओके, सो यहां पर हमको क्या पूछ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो हम लोगों को क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ढूंढना है, बताइए ना कितना डिस्टेंस आएगा, ये 15 और ये 15, मतलब टोटल आपके पास 30 आ जाएगा, 15 मतलब क्या हो गया, फ्रॉम हियर टू हियर इफ यू मेजर द डिस्टेंस इट इज गोइंग टू बी 15 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द सेम डिस्टेंस विल बी देयर, दैट इज गोइंग टू बी कैंसिल 15। सो वी कैन से पी इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी क्यू इंटू 2a, so p is equal to q, let us put the value of q as 2.6 in 2.5 into 10 to minus 7 and here it is 30 into 10 to minus 2, so this p that much will be we can say coulomb meter, ये आपको calculation कर लेना है, जो आएगा आपका answer
ये वाला आपके पास इतना किलोमीटर, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। सो डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन अगर आपको पूछे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये वाला नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है, ओके। सो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जो है आप इसकी नोट बनाइए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.10, लेट मी रीड द क्वेश्चन एंड देन आई विल आंसर क्वेश्चन नंबर 1.10 ऑल्सो। सो एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4×10⁻¹ कूलम मीटर इज अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ मैग्नीट्यूड 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल मोमेंट, हाउ मच इज गिवन। सी दिस इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अलाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना बेटा। तो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, now they are asking us to find out, what they are asking us to find out, the torque acting on the dipole. So torque is going to be, we can say P bar cross, we can say E bar torque, and if I take the magnitude of this torque, so torque is equal to, we can say PE sin theta, put the value of P, how much P is given, look into the question, how much P is given, it is 4×10⁻¹ coulomb. So, ये 4×10⁻ कूलम, अब ये 9 कूलम, अब ये E जो है ये है आपके पास 5×10⁴ और ये वाला आपके पास sin 30, how much sin 30 will be 1/2, so find out the value, this is going to be, we can say torque. And suppose somebody ask you to find out the direction of this torque, so use the right hand thumb rule, call your finger in the direction from P bar to E bar. If you call your finger from P bar to E bar, the direction of the thumb will give you the direction of the torque. So this is going to be, we can say, question number 1.10. Now we will move to question number 1.11. So let us start with question number 1.11. So you just keep your books in your hand and aap question ko bhi padhte jaiye. Question number hai aapke paas 1.11. Theek hai beta? Ye wala 1.11. A polythene piece wrapped with the wood is found to have negative charge of 3×10⁻¹ coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. Is there transfer of mass from the wood to the polythene? अब देखिए polythene piece को आपने wool के साथ में wrap किया है ना? तो ये wool जो है उस पर आपको negative charge मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला polythene है ना? तो ये वाला polythene को आपने wool के साथ में रख किया है, सो दिस वुल इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज ऑफ, हाउ मच नेगेटिव चार्ज इज देयर, पता है क्या, ओके 3×10⁻¹ कूलम, है ना। तो ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इतना ही बना 3×10⁻¹ कूलम चार्ज है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो देखिए बेटा 1.6×10⁻¹⁹ कूलम ऑफ चार्ज अगर जाएगा ना तो उसके एक इलेक्ट्रॉन उसको लेके जाएगा, अगर इतना चार्ज गया तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। लेकिन हमारा चार्ज तो कितना है 3×10⁻¹, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन 1×3×10⁻¹ डिवाइडेड बाई 1.6×10⁻¹⁹, तो ये जो आए ना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है क्या मास भी ट्रांसफर होगा, तो आंसर इज यस, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना मास 9.31×10⁻¹31 किलोग्राम लेके जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर खुद जाएगा तो मास भी तो ट्रांसफर होगा ना, तो मास भी ट्रांसफर होगा, कहां से कहां तक, तो पॉलीथीन पीस से वुल पर, है ना। तो पॉलीथीन पीस से वुल तक जो है ये वाला आपके पास मास ट्रांसफर
हो जाएगा। ओके, सो वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर जो है आपके पास मासली ट्रांसफर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.12, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचुरल म्यूचुअल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10^-7 कूलम, the radii of A and B are negligible as compared to the distance of the separation. Let us start with the first question. यहाँ पर आपके पास sphere number A, है ना? तो यहाँ पर आपके पास sphere number है A और यहाँ पर आपके पास sphere number B, है ना? और दोनों के बीच का distance कितना है? तो दोनों के बीच का distance है आपके पास 50 centimeter, है ना? दोनों के बीच का distance कितना है बेटा? 50 centimeter. And charge on each sphere, यहाँ पर coupon जो है ये 6.5 × 10^-7 कूलम और यहाँ पर किंतु जो है ये 6.5 × 10^-7 कूलम अगेन है ना यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ पर आपके पास फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स? तो चलिए यहाँ पर फोर्स कितना होगा, सो ये वाला k टाइम्स q1 q2 अपॉन वी कैन से r स्क्वायर, सो f इज इक्वल टू 9 × 10^-9, ये Q1 होगा 6.5 × 10^-17 और ये Q2 होगा 6.5 × 10^-7, सॉरी 17 × 7, और R की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 × 10^-2 का स्क्वायर, बिकॉज दिस सेंटीमीटर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, है ना? ये वाला सेंटीमीटर नहीं चलेगा, इसको आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला म्यूचुअल फोर्स हो गया, ठीक है ना? अब ये जो है वो आपका आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the force of repulsion if each sphere is charged double? अब इस पे चार्ज हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आप वीडियो को पोस्ट कीजिए, वीडियो को पोस्ट करके जो है सेकंड क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे रहे हैं कि what will happen, यहां पर जो चार्ज है ना वो आपको डबल किया जाए, और यहां पर जो चार्ज है वो भी डबल किया जाता है, और डिस्टेंस कितना किया जाता है डिवाइड, मतलब हाफ किया जाता है, तो अब फोर्स कितना होगा, सो एफएस इज इक्वल टू के टाइम्स क्यूएस इनटू क्यूटू टेस अपॉन डिवाइड टू का आपके पास स्क्वायर, ठीक है बेटा? तो ये वाला कितना हो जाएगा, एफएस इज इक्वल टू के और यहां पर 2q1 और यहां पर आपके पास 2q2 अपॉन वी कैन से डिवाइड टू का आपके पास स्क्वायर हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू ये वाला 2 × 4 और ये 4 ये ऊपर आएगा ना डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 4 ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, लेट मी राइट हियर दिस, 4 टाइम्स a क्यूब 1 क्यूब अपॉन b स्क्वायर बाय 4, तो एफ एस कितना हो जाएगा 16 टाइम्स a क्यूब 1 क्यूब अपॉन b स्क्वायर। अब ये तो कितना है, तो ये तो आपके पास कितना हो जाएगा f, तो ये फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा आपके पास, 16 टाइम्स आपके पास फोर्स हो जाएगा इफ यू डबल द चार्ज एंड रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज टू बी हाफ। ओके, अब ठीक है बेटा, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।